भागलपुर नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात। सोनाम मैरिज गार्डन, आप उत्सव मनाए, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोनाम मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7979-499-821। नवगछिया के 3 पैक्स अध्यक्ष पर पुराने चेहरे ने मारी बाजी। नवगछिया प्रखंड के 3 पैक्स को लेकर हुए चुनाव के बाद सोमवार को मतगणना की प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। तीनों पैक्स के अध्यक्ष पद पर पुराने चेहरे ही विजयी हुए। जगतपुर पैक्स के अध्यक्ष पद पर पवन कुमार यादव विजयी हुए। पवन कुमार यादव को कुल 503 मत प्राप्त हुए, जबकि इनके प्रतिद्वंदी पवन कुमार को 45 मत प्राप्त हुए। कुल 32 मत रद्द पाए गए। पवन कुमार यादव जगतपुर पैक्स अध्यक्ष पर लगातार दूसरी बार विजयी हुए हैं। वहीं नगरा पैक्स अध्यक्ष पद पर अभय कुमार झा उर्फ डिंपल विजयी हुए हैं। इन्हें कुल 473 मत प्राप्त हुए, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी प्रमोद कुमार सिंह को 314 मत प्राप्त हुए। कुल 81 मत रद्द पाए गए। वहीं अभय कुमार झा उर्फ डिंपल का नगरा पैक्स अध्यक्ष पर लगातार तीसरी बार विजयी हुए हैं। कदुआ कासिमपुर पैक्स अध्यक्ष पर जयप्रकाश राय विजयी हुए। जयप्रकाश राय को कुल 411 मत, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी विजय राय को 314 मत प्राप्त हुए हैं। तीसरे प्रत्याशी रहे दिलीप सिंह को 146 मत प्राप्त हुए। कुल 68 मत रद्द पाए गए। सभी विजयी हुए अध्यक्ष के नामों की घोषणा निर्वाचन पदाधिकारी सह वीडियो प्रशांत कुमार ने करते हुए तीनों पैक्स अध्यक्ष को मौके पर ही प्रमाण पत्र सौंप दिया। मतगणना की प्रक्रिया नौगछिया प्रखंड स्थित बजगिरी में कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से आरंभ की गई थी। दोपहर 2 बजे तक मतगणना की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। मतगणना को लेकर प्रखंड मुख्यालय में 6 बेंच बनाए गए थे। बिहार राज्य ड्रॉप रोबॉल प्रतियोगिता में जेम्स ने रजत व मोनी ने कांस्य पदक जीता। बिहार राज्य ड्रॉप रोबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में पटना में 14 एवं 15 दिसंबर को आयोजित बिहार राज्य ड्रॉप रोबॉल प्रतियोगिता 2019 में नवगछिया से भाग लिए 2 खिलाड़ियों ने रजत एवं कांस्य पदक अर्जित किए हैं। प्रतियोगिता में नवगछिया के खिलाड़ी जेम्स ने रजत पदक प्राप्त किया, जबकि बालिका वर्ग में मोनी कुमारी ने कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। वहीं इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने पर शिरडी महाराष्ट्र में होने वाले राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इनका चयन किया गया है। पदक जीतने एवं बिहार टीम में चयनित होने पर जिला संयोजक घनश्याम प्रसाद, खेल संघ के अध्यक्ष रामदेव प्रसाद, अशोक सिंह, अखिलेश पांडे, सेवात के डॉक्टर आनंद विक्रम, पंकज भारती, कैरम संघ के संजय सिंह, राम सेवक भगत सहित कई अन्य ने बधाई दी है एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। नवगछिया कलश शोभा यात्रा के साथ 7 दिवसीय भागवत कथा शुरू, वातावरण हुआ भक्तिमय। नवगछिया के गोपाल गौशाला में 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आयोजित होने वाले श्री श्री 108 श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ सोमवार को कलश शोभा यात्रा के साथ हो गया। कलश शोभा यात्रा नवगछिया के गोपाल गौशाला से पूरे धूमधाम से गाजे बाजे के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा गौशाला से निकलकर गौशाला रोड महाराज जी चौक मेन रोड होते हुए गरीब दास ठाकुर बाड़ी पहुंची। गरीब दास ठाकुर बाड़ी से शोभा यात्रा पुनः नगर भ्रमण करते हुए गौशाला पहुंची। शोभा यात्रा में 108 महिलाओं ने अपने सर पर कलश लेकर नगर भ्रमण किया। कलश शोभा यात्रा में परम पूज्य श्री अनंताचार्य जी महाराज अयोध्या व्यासपीठ, परम पूज्य बालक स्वामी श्री केशवाचार्य जी महाराज, परम पूज्य श्री धरणीधरा जी महाराज एवं स्वामी आगमानंद जी महाराज सहित कई संत महात्मा के साथ सैकड़ों भक्तजन शोभा यात्रा में शामिल थे। वहीं शोभा यात्रा में घोड़े, ढोल नगाड़ों, बैंड बाजा व हाथों में निशान लिए कई भक्त चल रहे थे, जिससे नवगछिया का वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया था। वहीं शोभा यात्रा में नवगछिया नगर पंचायत की अध्यक्ष प्रीति कुमारी, प्रवीण कुमार भगत, सुभाष चंद्र वर्मा, अशोक केडिया, श्रीधर कुमार, संतोष गुप्ता, दयाराम चौधरी मुख्य यजमान, कृष्ण कुमार चिरानिया, विकास चौधरी, प्रवीण केजरीवाल, सज्जन सर, मनोज चौधरी सहित कई श्रद्धालुगण मौजूद थे। शोभा यात्रा के बाद गोपाल गौशाला में मंच का दीप प्रज्वलन कर
एवं मंच पर मंगलाचरण वैदिक मंगलाचरण कथा वाचक स्वामी जी चरित्र माल्यार्पण श्रीमद् भागवत महोत्सव कार्यक्रम हुआ। नवगछिया नवाचार शिक्षा के लिए गोसाई गांव के शिक्षक वरुण कुमार को मिला प्रशंसा पत्र। JIIEI के अंतर्गत शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार एक मंच शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन हेतु शिक्षकों के द्वारा टीचर इनोवेशन अवार्ड 2019 दिल्ली के श्री अरविंद सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 3 लाख शिक्षकों ने नवाचार शिक्षा माध्यम पर लेख प्रस्तुति कर भाग लिया। वहीं इसी वर्ष अप्रैल माह में 66 सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा पुरस्कृत कर प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में नौगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत गोसाई गांव के स्वर्गीय नित्य रंजन झा एवं मिलन झा के पुत्र SVC उच्च विद्यालय लत्ती पाकर के अंग्रेजी विषय के शिक्षक वरुण कुमार को सोसाइटी की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल ने प्रशंसा पत्र भेजा है। शिक्षक श्री कुमार ने बताया कि मैंने शैक्षणिक के साथ रचनात्मक कार्य को एक साथ बढ़ाकर कौशलता को बढ़ाने में शिक्षक की अदा विषय पर अपना लेख प्रस्तुत किया था, जिसके लिए मुझे रोचक अनुभाविक और अभिनय शिक्षण के प्रोत्साहन के लिए प्रमाण पत्र भेजा गया है। प्रमाण पत्र प्राप्ति होने पर परिवार के तरुण कुमार बेली झा, विभूति भूषण झा, सेनभद्र ठाकुर, बिंदु ठाकुर, मधुमती ठाकुर, प्रिया झा सहित कई अन्य ने बधाई दी है। नवगछिया के नगर गाँव में योग द्वार गुरुग्राम का शुभारम्भ। हर प्रखंड में चलेगा एक स्थायी योग कक्षा। नगर में पतंजलि स्थायी योग कक्षा हेतु आज श्री दीप योग द्वार गुरुग्राम नगर का शुभारंभ किया गया। वह योग संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 15 दिसंबर 2019 को योग शिक्षकों के मध्य सहयोग शिक्षक प्रमाण पत्र का वितरण हुआ एवं हर प्रखंड में एक स्थायी योग कक्षा हेतु संकल्प लिया गया। इस योग संवाद कार्यक्रम में दक्षिण राज्य प्रभारी चंद्रिका प्रसाद, अनुमंडल स्वाभिमान भारत प्रभारी सुजीत नवीन प्रसाद सिंह, अनुमंडल युवा भारत प्रभारी शरद योगी व अन्य योग शिक्षक उपस्थित थे। नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। हमारी विशेषताएं स्मार्ट क्लास, CCTV परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ। हमारा पता है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093-0443-33, 73-68-91-47-33, www.pis.education। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए एक बार जरूर पधारें प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल। नवगछिया का गौरव त्रिशा खोआ मेकर। शुद्ध घी, खोआ, पनीर, मक्खन के लिए एक बार अवश्य पधारें। पता भवानीपुर नया टोला नवगछिया काली स्थान के समीप। संपर्क करें कुंदन कुमार जायसवाल 95071-43094-8779-23-1002। नवगछिया का पहला फर्नीचर शोरूम अब और भी नए आकर्षक रूप में। गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम फर्नीचर, फर्निशिंग एवं किचन वेयर के सभी सामान के साथ एक नए आकर्षक रूप में। शीशम सागवान पलंग, त्रिवेणी वैशाली कंपनी अलमीरा, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर। गौरी शंकर फर्नीचर नवगछिया हाई स्कूल के सामने। संपर्क सूत्र सौरभ जायसवाल 97096-11005, 82-92-94-31-26। अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नौगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नौगछिया। मोबाइल नंबर 9065282825।
आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया कक्षा नर्सरी से अष्टम तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह, हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437। 9934261437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें। आवासीय विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। राजीव गुप्ता गिफ्ट कॉर्नर। राजीव गुप्ता गिफ्ट कॉर्नर, महेंद्र लस्सी वाले के पास लोहार गली नवगछिया। महेंद्र लस्सी के पास लोहार गली नवगछिया, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा खिलौने एवं गिफ्ट की दुकान, राजीव गुप्ता गिफ्ट कॉर्नर। वेल्थ डिस्कवरी, आप अपने पैसे को करें सुरक्षित, करें इन्वेस्ट वो भी सुरक्षित, आप होना बिल्कुल परेशान, हम हैं आपके लिए तैयार। इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, म्यूचुअल फंड्स, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, पोस्ट ऑफिस सेविंग, संपर्क करें 9891305599। अंबिकानंद झा फाइनेंशियल एडवाइजर, बैक चॉइस। बैक चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने उदार गली नवगछिया। हमारे यहाँ उपलब्ध है ट्रॉली बैग, डफल, स्कूली बैग, सूटकेस, लेडीज पर्स, जेंट्स पर्स, छाता, रेनकोट सहित कई सामान। 20 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक का बैग है हमारे पास उपलब्ध। नवगछिया का एकमात्र दुकान जहां उपलब्ध है अमेरिकन टूरिस्टर का सामान। एक बार अवश्य पधारे। बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने उदार गली नवगछिया। संचालक डॉक्टर रजनीकांत देव, हमारा संपर्क सूत्र है 8294855586। 8294855586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना। गोपालपुर प्रखंड में पैक्स चुनाव की तैयारी पूरी, मतदान आज। गोपालपुर प्रखंड में पैक्स चुनाव का मतदान अंतिम चरण में आज मंगलवार की सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है तथा सभी बूथों पर मतदान से संबंधित सामग्री लेकर पीठासीन पदाधिकारी व मतदान कर्मियों को पहुँचाया जा रहा है। वीडियो सह निर्वाची पदाधिकारी प्रियंका ने बताया कि निष्पक्ष व भयमुक्त चुनाव कराने के लिए सभी चारों पंचायतों में अलग अलग दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है। गोपालपुर डिमहा में प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी या रिसुल हेम्ब्रम, सुखटिया बाजार में प्रखंड कृषि पदाधिकारी रतन कुमार चटर्जी तथा अभिया बाजार में पंचायत तकनीकी सहायक धर्मेंद्र कुमार को दंडाधिकारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि 2 पंचायतों में जोनल दंडाधिकारी के रूप में अंचलाधिकारी मोहम्मद फिरोज इकबाल व खरीक वीडियो सुधीर कुमार की प्रतिनियुक्ति अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया ने किया है। वहीं ऑब्जर्वर के रूप में बांका नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार हैं। वीडियो प्रियंका ने बताया कि नामांकन के दौरान चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एक प्रत्याशी के खिलाफ रिपोर्ट की गई है। थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर श्रीकांत भारती ने बताया कि निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने हेतु सभी बूथों पर सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की जाएगी तथा सघन पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई। चुनाव के दौरान हंगामा करने तथा मतदाताओं को डराने धमकाने वालों की गोपालपुर पुलिस जमकर खबर लेगी। रंगरा में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक संपन्न हुआ पैक्स चुनाव का मतगणना कार्य। मतगणना के बाद 4 पैक्सों के अध्यक्ष सहित सदस्यों के चुनाव परिणाम हुए घोषित। 2 वर्तमान अध्यक्षों ने अपनी कुर्सी को रखा बरकरार, 2 नए चेहरों ने मारी बाजी। नवगछिया मंडल के रंगरा प्रखंड में रविवार को 4 पैक्सों के विभिन्न पदों के लिए हुए चुनाव के बाद सोमवार को रंगरा प्रखंड कार्यालय स्थित शिल्प भवन में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना कार्य कराया गया। मतगणना स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों को लगाया गया था। मतगणना कार्य सुबह 10 बजे से शुरू होकर दोपहर 1 बजे तक चला। मतगणना कार्य संपन्न होने के बाद सभी विजयी प्रत्याशी को निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी शिल्पी कुमारी वैद्य ने जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। निर्वाची पदाधिकारी शिल्पी कुमारी वैद्य से मिली जानकारी के अनुसार प्रखंड के कोसकी पुरसौरा, भवानीपुर, बनिया, बैसी एवं तिनटेंगा दियारा उत्तर पैक्स के लिए चुनाव कराया गया था। ओवरटेक के कारण नवगछिया शहर में 2 घंटे तक लगा रहा भीषण जाम। जाम के कारण शहर में खरीदारी करने आए लोगों को हुई काफी परेशानी। नवगछिया शहर में सोमवार को भीषण जाम लगने से नवगछिया बाजार आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम वाहन चालकों के द्वारा आपाधापी कर ओवरटेक किए जाने के कारण जाम की समस्या उत्पन्न हुई। जाम के कारण वाहनों की लंबी कतार गौशाला रोड से लेकर नवगछिया थाना चौक तक पहुंच गई थी, जिसके कारण संपार फाटक पर भी जाम की समस्या उत्पन्न हो गई थी। जाम इतना भयावह हो गया था कि पैदल चलने वाले यात्रियों को भी काफी कठिनाई हो रही थी। बाजार में खरीदारी करने आए लोग जाम में फंस जाने के कारण पैदल भी नहीं निकल पा रहे थे। सड़क पर करीब 2 घंटे तक जाम की भयानक स्थिति बनी रही। जाम लग जाने की सूचना नवगछिया पुलिस को स्थानीय लोगों द्वारा दी गई। सूचना मिलने पर नवगछिया पुलिस मौके पर पहुंची
बाजार में लगे जाम को हटाने में भी जुट गई। बड़ी मशक्कत के बाद नौगछिया पुलिस ने जाम पर काबू पाया। संध्या समय तक पुलिस द्वारा जाम की स्थिति पर नियंत्रण हो गया था। शहर की सड़कों पर लगे 2 घंटे से जाम में स्कूली बच्चों की गाड़ियां, एम्बुलेंस व साइकिलों सवारी वाहन जाम में फंसी हुई थी। वहीं नौगछिया थाना अध्यक्ष पुलिस निरीक्षक राजकपूर कुशवाहा ने कहा कि शहर में वाहन चालकों के द्वारा ओवरटेक करने के कारण जाम की समस्या उत्पन्न हुई थी। शहर में आधा घंटा तक जाम की स्थिति बनी रही, जिसे पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल के द्वारा नियंत्रित कर लिया गया था। बनारसी लाल सराफ कॉलेज में जल्द बनेगा 2 बहुउद्देश्य प्रशाल। स्थानीय बनारसी लाल सराफ कॉमर्स कॉलेज में जल्द ही 2 बहुउद्देश्य प्रशाल का निर्माण होगा। सोमवार को कॉलेज पहुंचे कॉलेज के सचिव डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने भवन के ऊपरी तल का निरीक्षण करने और इंजीनियर से सलाह लेने के बाद तत्काल यह निर्णय लिया। इसके साथ ही मौके पर नारियल फोड़कर कार्य प्रारंभ करने का निर्देश भी जारी किया। इस दौरान कॉलेज कर्मियों के बीच प्रसाद के रूप में मिठाई का वितरण किया गया। वहीं मौके पर प्रधानाचार्य मोहम्मद नईमुद्दीन, शिक्षक प्रतिनिधि राजकिशोर सिंह, शिक्षक संघ अध्यक्ष अनिल यादव, सचिव रामानंद सिंह वर्सर अनिल मंडल, लेखापाल विनोदानंद मंडल, प्रधान लिपिक अशोक कुमार सिंह सहित काफी संख्या में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी मौजूद थे।